यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले दुनिया में भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। सीमाएं असुरक्षित थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था और हर हिंदू पर्व और त्योहार से पहले दंगे हो जाते थे। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत पिछले 4 वर्षों से 140 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है और पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। साथ ही क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। बढ़ा है 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था, लगातार सम्मान घटता जा रहा था, सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है? आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। अब ये सीमा पार का आतंकवाद समाप्त, पाकिस्तान कहता है मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस एक बार, अब कुछ नहीं कर रहूंगा मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे।